एक किलोमीटर ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर से पैराग्लाइडिंग करवाएंगे। इस जगह पे हम लोग अभी अभी हम ये नौकुचिया ताल पे, नौकुचिया ताल पांडे गांव के पास। तो अब पैराग्लाइडिंग शुरू होने वाली है। भैया गिराओगे तो नहीं ना, बढ़िया सेफली उतार देना यार। हाँ मैं रेडी हूँ यार। हाँ इधर पे आओ आप आगे। स्वागत है आपका हमारा नए ब्लॉग में। आज हम लोग नौकुचिया ताल नैनीताल में पैराग्लाइडिंग करने के लिए आए हैं, और अभी यहाँ पर जब हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, यहाँ का व्यू नौकुचिया ताल का, और ये इसके ऊपर से हम लोग वहाँ से पैराग्लाइडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरह का व्यू है, पीछे काफ़ी सुंदर व्यू है। और ये हम चौथा बार पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले एक बार मनाली में, दूसरा बीर बिलिंग में, और तीसरा पोखरा में नेपाल में भी किया था, और ये चौथी पैराग्लाइडिंग साइट है। इस जगह पे ट्रैक करके आना पड़ता है लगभग लगभग एक किलोमीटर के आसपास। ये देखिए यहाँ का व्यू, वाह ऑसम। एक किलोमीटर ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर से पैराग्लाइडिंग करवाएंगे ये। और क्या रेट है भैया का? 4000 रुपये भैया। और किस जगह पे हम लोग अभी? अभी हम ये नौकुचिया ताल पे, नौकुचिया ताल पांडे गांव, पांडे गांव के पास जी। नीचे कौन सा ताल है? ये नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल के पास है ना। तो नीचे आप लेके जाओगे? हाँ जी। तो दोस्तों अब पैराग्लाइडिंग शुरू होने वाली है, और पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में किस तरह से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है। जब भी टाइम मिले आपको तो नैनीताल में पैराग्लाइडिंग जरूर करें। दोस्तों ये पैराग्लाइडिंग के पहले ये लोग तैयार कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, ये देखिए इस वीडियो में। भैया गिराओगे तो नहीं ना, बढ़िया सेफली उतार देना यार। सेफली उतारेंगे भैया, आपको रोज करते हैं। चलो बढ़िया यार, रोज करते तो कम से कम उम्मीद है। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। विजय भाई, विजय दिला दो इस पे। विजय मिलेगी भैया, तुम करोगे ना? वो करवाएंगे। अच्छा, वो करवाएंगे। अच्छा अच्छा, तो वो तो उधर पे आओ। वो किसे करवा रहे हैं? एक पहले वो करवा रहे हैं उनको ना। इधर पे आओ, आपको करवा रहे हैं। आप रेडी हो ना अभी? हाँ मैं रेडी हूँ यार। हाँ इधर पे आओ। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं नैनीताल के नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। भैया आपका नाम क्या है? भैया क्या नाम है आपका? अंकित बड़े भाई। भैया का नाम अंकित है। ओ भाई, नीचे देखने का मन ही नहीं कर रहा आज तो। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये तीसरा बार, चौथा बार पैराग्लाइडिंग करने के बाद भी आज देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत ठंड है यहाँ पर, नैनीताल में बहुत ठंड है। नीचे का व्यू आप देख रहे होंगे इसमें। भाई
एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है बाकी जगह से। पता नहीं क्यों यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है पहले के पीछे, साथ हाइट की वजह से ज़्यादा ही हाइट लग रहा है मुझे यहाँ पर भैया। कुछ तो लग रहा है ज़्यादा हाइट यार, लेकिन अभी का तो फीलिंग है ना यार, इसी के तो मज़े हैं। काफ़ी ऊपर चले गए ना भैया उससे, वो वहाँ से कहते ना जरूर करें, बहुत ही आराम से शांति से यहाँ पर 20 मिनट के लिए पैराग्लाइडिंग, 20 से 25 मिनट क्या भैया। क्या व्यू है यार, बहुत अच्छा व्यू है, मकानों के ऊपर बिल्कुल पंछी की तरह उड़ रहा हूँ। कभी कभी आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए, ये पंछी की तरह उड़ के देखिए एक बार, मजा आएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। जब भी टाइम मिले आपको तो नैनीताल में पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें।